हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम डेकोर बाय शिल्पा। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी शिवजी जी का बहुत ही सुंदर सा रूप। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक एमडीओ बोर्ड की कटिंग करवाई है जाली शेप में। उसको मैंने पूरे वाइट पेंट से बेस कोट कर दिया है। बेस कोट ड्राई होने के बाद हमने शिवजी जी का एक प्रिंट आउट निकलवाना है और उसको मैंने जो मेरा राउंड वाला सर्कल है उतने में ही वो आ जाए, इतने ही बड़े साइज़ का निकलवाना है। सारा मैंने प्रिंट निकलवा कर उसको कार्बन से ट्रेस कर लिया है। ट्रेस करने के बाद अब मैंने इसकी ब्लैक कलर से आउटलाइन कर दी है। आउटलाइन करने के बाद अब मैं इसमें कलरिंग करना शुरू करूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो शिवजी जी के बाल हैं वहाँ पर पूरे में ब्लैक कलर किया है और उनकी बॉडी में ब्लू कलर में कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कलर कितने आराम से और इतना अच्छा स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि हमारा बेस कोट अच्छा होता है तो इसीलिए हमारा पेंट भी बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। यहाँ पर मैंने ब्लू कलर भी पूरा कर दिया है फेस में और बॉडी में। कुछ कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने वहाँ पर अभी नहीं किए हैं, उनमें थोड़ा सा लाइट कलर ब्लू में थोड़ा सा वाइट कलर को मिक्स करके वो वाले कलर से मैं करूँगी। तो आप देख सकते हैं आईज़, नोज़ एंड लिप्स में मैंने थोड़ा सा ब्लू में वाइट पेंट को मिक्स करके वो कलर किया है और शिवजी जी के कुंडन और तिलक में मैंने येलो कलर किया है और गले में माला में भी मैंने येलो कलर से डॉट्स लगाए हैं। इसको मैं बाद में ब्राउन कलर से भी डॉट्स लगाऊँगी। तो यहाँ पर जो चंद्रमा है, चंद्रमा को भी मैंने पेंट किया है ऑरेंज कलर से और जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को मैंने पूरा येलो कलर से पेंट किया है। कलर्स मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे और स्मूथली स्प्रेड हो रहे हैं और जो बाहर का एरिया था वहाँ पर मैंने पिंक कलर से इसको पूरा बनाया है। तो ऐसे मैंने अपना पूरा कलरिंग कंप्लीट किया है और सर्कल में जो अंदर वाला एरिया था वहाँ पर मैंने स्काई ब्लू कलर किया है। ब्लू के अंदर ही थोड़ा सा वाइट कलर और मिक्स करके लाइट कलर बन जाएगा स्काई ब्लू कलर, वो किया है। तो अभी हम बाहर का डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैंने इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है, ग्रीन, येलो, रेड एंड ब्लैक। तो इस तरह से मैं इसको पूरा कलर करूँगी। चारों कलर्स को एक दूसरे से मिक्स कर मैं पूरे शेडिंग के साथ इनको पूरे में अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा हमारा इफ़ेक्ट आ रहा है कलर्स का। तो ये मेरा पूरा कलरिंग पार्ट कंप्लीट हो गया है, बहुत ही सुंदर और ब्राइट लग रहा है। अब मैं इसमें मिरर्स लगाऊंगी। मिरर्स मैंने यहाँ पर सिर्फ एक पार्ट में ही यूज़ किए हैं ट्रायंगल शेप के, और पूरे आर्ट में मैंने मिरर्स को यूज़ नहीं किया है। तो बिना मिरर्स के ही ये वाला आर्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैं इसमें डॉट मंडाला आर्ट करने लगी हूँ। लास्ट वाले पार्ट में मैंने ब्लैक कलर से डॉट्स लगाए हैं वाइट कलर से, और बीच बीच में रेड पे भी मैंने डॉट्स लगाए हैं और रेड पे थोड़ा फ्लावर लुक भी मैंने दिया है और ग्रीन पे भी मैंने डॉट्स लगाए हैं, येलो पे मैंने कोई भी डॉट्स नहीं लगाए हैं। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद मैंने इस पर वार्निशिंग किया है। वार्निशिंग के बाद आप इसकी ग्लॉस को देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आ सकूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।